प्लान किया था, तो प्लान में अब चेंजेस आ गए हुए हैं। तो हमने जो बर्फ देखी, तो हमने ये प्लान बनाया कि कुफरी चलते हैं, कुफरी में हमें बर्फ मिलने के चांसेस हैं। इनोवा चक्कर, तो बर्फ मिलने का पूरा पूरा चांस है। चांस की है, शिमला पई हुई है, कुफरी भी बर्फ पई होगी। मतलब इधर थोड़ी गंदी है बर्फ, बहुत ज्यादा ना कट है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मतलब कट है। काफी हमें रस्ते में भी लोग खड़े मिल रहे थे, वहाँ पे दिखा रहे थे कि कुफरी के अंदर क्या क्या आप एक्टिविटी स्कीइंग कर सकते हैं और भी काफी चीजें हैं। बाकी वहाँ पे जाके देखते हैं जैसा बनेगा। आप रघुमन पीछे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। सही टाइम पे आ गया। एक ना पुलिस वाला उधर खड़ा हुआ था, एक रास्ता जा रहा था लेफ्ट को, एक जा रहा था राइट को। प्रद्युमन कह रहा था राइट को जाना है हमने माल रोड के लिए। उस पुलिस वाले ने हमें लेफ्ट भेज दिया, कहता राइट से नहीं जा सकते आप। बढ़िया, उसने लेफ्ट से भेज दिया। जो लेफ्ट तो ना भेजता ना, पैसे आंदे ही नहीं। माल रोड से फोटो दिखा के उधर ही वापस निकल जाना सीगा। बाकी थोड़ा वीकेंड का टाइम है, तो थोड़ा सा ट्रैफिक है, मतलब यहाँ पे पंजाब वगैरह से गाड़ियाँ आती हैं आज के दिन। पंजाब दे रहे होना इतनी होता है, थोड़ा दिल्ली भी आ जाता है, सारी पंजाब हरियाणा की गाड़ियाँ हैं। और हमने एक चीज बढ़िया कर ली कल, जो हमने होटल लिया वो शिमला के अंदर नहीं लिया, आउटर पे लिया। हाँ, आउटर पे लिया था, तो वो बढ़िया हो गया काम। तो अब वहाँ पे आराम से हमने रह लिया, रात को जाते वहाँ पे ट्रैफिक मिलता फिर से मुश्किल होता, तो ये चीज बढ़िया रहेगी। तो अब फिलहाल हम कुफरी के लिए निकले हुए हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। वैसे कुफरी तो जाना ही नहीं प्रॉपर, गूगल मैप में तो दिखा रहा है कि 45 मिनट का रास्ता है सिर्फ, यहाँ से 14 किलोमीटर ही है, पर आपको पता है पहाड़ी इलाके के 14 किलोमीटर कितने होते हैं। बर्फ पड़ी हुई है, साफ है, बर्फ मिलने के पूरे चांसेस हो गए यार। चांसेस हो गए, मैं कह रहा शिमला पई हुई है, पागल पागल हो गई है, बर्फ मिलने के चांसेस हो गए, तेरे सामने पई हुई है, तू कह रहा चांसेस हो गए, चांसेस ही हो गए। ठीक है, देखो सारे टके हैं, मैं उधर वरना अजय भी कह रहा चांसेस हो गए। चलो बस फिर तो बर्फ मिलनी है, पक्की है, मिलता गई वो सामने देख, नजर नहीं, मैं कह रहा देख पूरी है हिस्सा, पूरा यार पूरा हिस्सा ही है वो, देख के ध्यान ना देख। चलो फिर बाकी आपको दिखाते हैं वहाँ पे जाके क्या होता है, मतलब क्या क्या करते हैं, क्या माहौल होता है वहाँ। हम कुफरी के रास्ते में जा रहे थे, तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, बर्फ मिली गई, और ये देखो बर्फ कैसे टूटा है। छोड़ो, बाकी मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाता हूँ। ये आप दिमाग इधर दिखा, ये देख मैं पैर अंदर कर रहा हूँ, देखो कहाँ कहाँ तक जा रही है। इधर तो होल डाउन है, इधर होल डाउन है, कम से कम एक फुट तक डाउन डीप मतलब है बर्फ। तो काफी मजा आ रहा है बर्फ के अंदर। वतन देख, देखो आना चाहिए था, तू मिस करेगा ये चीजें। तो बर्फ बहुत ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा आगे नहीं जाते क्योंकि पानी भी जा सकता है जूते के अंदर। ये बर्फ मार रहे हैं मेरे, देखो पीछे से ना मार यार। और बात, हाँ तभी करके मैंने ज्यादा हाथ नहीं डाले क्योंकि मेरे को कैमरा पकड़ना था और शूट नहीं करना था। मुझसे बोला कि बर्फ उछाल मैं शॉट लूंगा, इधर मेरा शॉट हो गया। अभी शॉट आया नहीं, अभी दोबारा करते हैं ऐसा। बस ठीक है, सामने भी यहाँ से व्यू बहुत बढ़िया है, देखो पहाड़ का। बाकी अब देखते हैं, कुफरी जाना है जितिन, कुफरी जाएंगे। अच्छा चलो देखते हैं, जो भी प्लान होगा डिस्कस करके फिर आपको बताते हैं आगे का क्या प्लान है। फिलहाल तो हमारा मोटिव वैसे बर्फ देखने का ही था, बर्फ हमें यहाँ रास्ते में बड़ी ज्यादा बढ़िया मिल गई हुई है, थोड़ा सा हम भी उछाल लें इसको बर्फ को। सो गाइस ये देखो, तो अभी आपको कुछ बोल रहा है, आप देख सकते हो हमने कितना परिश्रम किया है, आपको बर्फ दिखाई है। जो लोग बर्फ देखना चाहते हैं तो वहाँ जितनी ज्यादा फोकस मत कर, वो देखो उधर परिश्रम। तो किसी का मतलब घर है ये, तो बढ़िया बर्फ पड़ी हुई है यहाँ पे, मतलब लोकल लोगों को तो कुछ है नहीं, उनके लिए तो आम है। जो लोग शहर में रहते हैं, शहर की भीड़ भाड़ से आते हैं, उनके लिए तो ये चीजें बढ़िया है ही है। तो हम पूरा मजा कर रहे हैं। तो बड़ा बेकार बंदा है, ना लिखा। अच्छा ठीक है ठीक है, तो ऐसे हम स्क्रिप्ट बना रहे हैं यहाँ पे बर्फ में, अभी दीपांशु को डाल देंगे। चल डायलॉग बोल अपने। क्या डायलॉग, कुछ नहीं है, बोल क्या बोल रहा बोल? मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा? कुछ भी आ जा, इतनी तेरा छापा रहने दे बार, ठंडे आ जा, चाक भरावा इनू, सो आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी डीप है बर्फ। छापा देखो ऐसा। तो यहाँ पे बर्फबारी काफी ज्यादा हुई हुई है यार, बाजू मजा आ रहा है। प्रथमन रीला देख के सबसे ज्यादा यही जोश दिखाता है ना, मैं बर्फ से जाना है, मैं ये करना है, उन सबसे ज्यादा हालत टाइट हो रही है। हालत टाइट नहीं हो रही मेरी बिल्कुल भी, फिर भी नहीं हो रही है। थोड़ा सामान एक्स्ट्रा लेके आना चाहिए था, जैसे विंटर बूट्स हो गए, जो स्नो बूट्स हो गए। नहीं मैं पाए हुए हैं शूज, आ देखो मैं शूज पाए हुए हैं, लॉन्ग शूज। फिलहाल हमने यहाँ पे रुक के जो फोटो मतलब वगैरह खिंचाई है, काफी बढ़िया बढ़िया वीडियोस बना ली है, रील्स बना ली हुई है। तो आप मेरे इंस्टाग्राम आपको यहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा और आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा, तो आप मेरे को वहाँ पे फॉलो कर सकते हो मेरी मतलब पोस्ट वगैरह देखने के लिए। और मैं मतलब अपने दोस्तों को नीचे टैग
टैग कर दूंगा, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हो। तो फिलहाल हमने मतलब कसौली के अंदर आगे जाने का प्लान ड्रॉप कर दिया है, हमें यहीं पे इतनी बढ़िया बर्फ दिखी है, मतलब हाँ कसौली है देख, कुफरी जाने का हमने प्लान ड्रॉप कर दिया है। यहाँ पे काफी बढ़िया बर्फ मिल गई हुई है, तो फोटो वगैरह चल रही है, यहाँ पे देख सकते हो प्रद्युम्न फोटो सेशन चल रहा है। तो भैया आप क्या बता रहे थे यहाँ पे, मतलब क्या है ऊपर? वो मोनेस्ट्री, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वैसे शायद कैमरे में मतलब इसके इसके पीछे है। तो जो लोग यहाँ पे आते हैं मतलब वहाँ जा सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है कैसे? मतलब पूरा वहाँ से दिखेगा कुफरी। तो सुन लिया जैसे कि आपने, आप जो लोग जिनके पास टाइम होगा पूरा ऊपर जाने का, वो लोग ऊपर जा सकते हैं। वहाँ पे भैया कह रहे हैं कि मोनेस्ट्री है, वहाँ से आपको कुफरी का पूरा व्यू दिखेगा। तो काफी ज्यादा बढ़िया रहा हमारा यहाँ पे आना, हमने जो डिसीजन लिया। प्रमोशन कितने भी रुकनी नहीं चाहिए थी थोड़ा बहुत, जैसे हम कंटेंट बना रहे हैं तो हम चाहते हैं कुछ ना कुछ तो मतलब बदले में हो, थोड़ा सब्सक्राइब हमें मिलता है, मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने की। तो यही आप सुनिए, सब्सक्राइब कर दे साहिल के व्लॉग, साहिल के व्लॉग भैया का भी चैनल है, तो भैया का चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलो ठीक है, क्या चैनल का नाम बताया भैया? बहुत बढ़िया यहाँ का था सर्विस वगैरह भी, और व्यू भी काफी ज्यादा अच्छा था, आपने ब्लॉग के अंदर देखा होगा। तो स्टार्टिंग मैंने बोला था, मैंने बोल नहीं दिया था अपने ब्लॉग के अंदर कि भैया यहाँ पे काम करते हैं, मेरी थोड़ी सी वो गलती होगी, भैया यहाँ के ओनर है, भैया यहाँ के ओनर है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा एक्टिविटीज और भी होती है, जैसे की कैंपिंग होगी और यहाँ पे आप ट्रैकिंग वगैरह भी कर सकते हो। बाकी आपका एक्सपीरियंस दसो? मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, मैं कार्ट रोड पे और हमने आगे टाइमलेस भी तो लिए थे, नीचे का बन रहा है थोड़े टाइम में हो जाएगा। तो भैया अपनी डिटेल बता दो, आप अपने पेज वगैरह की, जो भी जो जिन लोगों को भी पसंद आए तो वो चेक कर सकते हैं। मेरा रेस्टोरेंट और होटल का इंस्टाग्राम पे पेज है हाई एंड सीख के नाम पे। बाकी आपको यहाँ पे फोटो डिस्प्ले हो रही होगी, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा जो भी डिटेल्स है, बाकी कॉन्टैक्ट नंबर भी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। हम जा रहे हैं अभी नारकंडा, अगर लेट हो गए तो वापस यहीं पे, वापस यहीं पे। मेरा नंबर है, आप मुझे ठीक ठीक तो ओवरऑल इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस, तो काफी बढ़िया रहा हमारा। तो जो भी आना चाहे यहाँ पे आ सकता है, मेरा नाम ले लेगा तो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ठीक है, तो आज की अभी यहीं से एंड करते हैं, आगे की जर्नी देखते हैं क्या होती है, फिलहाल अभी के लिए यहाँ से विदा लेते हैं।